ये प्रोसेस उन कपल्स में की जाती है जिनकी बार बार IVF फेल हो रही है। लेजर असिस्टेड हैचिंग उन महिलाओं में काफी लाभदायक होता है। यह टेक्निक उन पुरुषों के लिए लाभदायक होता है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any important updates related to infertility. ICSI yani intracytoplasmic sperm injection. इस प्रोसेस में प्रत्येक अंडे को होल्डिंग पिपेट से पकड़कर उनके अंदर एक-एक हम स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हैं और भ्रूण बनाया जाता है। कभी-कभी हम विशेष तरीके यानि जो ICSI के दो विशेष तरीके हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे IMSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन, PICSI यानी फिजियोलॉजिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये प्रोसेस उन कपल्स में की जाती है जिनकी बार बार IVF फेल हो रही है। ICSI उन पुरुषों के लिए भी लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणु नील हैं लेकिन अंडकोश में शुक्राणु बनते हों। अब हम अगले एडवांस ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। नॉर्मली जो भ्रूण बनने की प्रक्रिया है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अंडा और शुक्राणु मिलके तैयार मिलता है और फर्टिलाइजेशन होकर भ्रूण बनता है। फिर ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, डिवाइड होता है और गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। नॉर्मली 4 से 6 दिन में यह भ्रूण औरत के गर्भाशय में आ जाता है और वहीं उसकी परत से चिपक कर ग्रोथ करता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज समझने के लिए हमें ये पहले समझना होगा कि अंडे और शुक्राणु को जो हम लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार कर रहे हैं उसका ग्रोथ कैसे करवाया जाता है। जब अंडा और शुक्राणु को फर्टिलाइज करा के भ्रूण बनता है उससे हम 2 दिन तक मीडिया में ही ग्रोथ कराते हैं और D3 में नॉर्मली ट्रांसफर की जाती है। लेकिन अगर उस भ्रूण को हम D5 तक ही मीडिया में ग्रोथ कराते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग जो भ्रूण है वो हमें मिलता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भ्रूण को कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण होगा वही 5 डेज तक बाहर मीडिया में सर्वाइव कर सकता है। और अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग भ्रूण को हम औरत के गर्भाशय में डालते हैं तो प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट 15% से 20% तक बढ़ाई जा सकती है। अब दूसरी चीज़ है लेजर असिस्टेड हैचिंग। लेजर असिस्टेड हैचिंग उन महिलाओं में काफ़ी लाभदायक होता है जिनकी उम्र अधिक हो या जिनके अंडे जिनके PCOD की प्रॉब्लम हो या जिनकी जो ट्यूबरक्लोसिस की कभी दिक्कत रही हो, वैसी महिलाओं के अंडे से जब भ्रूण तैयार किया जाता है तो उसकी परत काफ़ी सख्त होती है। फिर जब उस भ्रूण को औरत के गर्भाशय में डाला जाता है तो भ्रूण उस खोल को तोड़ने में असफल हो सकता है और इससे प्रेगनेंसी फेल हो सकती है। हम लेजर असिस्टेड हैचिंग के द्वारा एक लेजर शॉट लगा के जो भ्रूण की खोल होती है उस खोल को हम कट कर सकते हैं, जिससे भ्रूण आसानी से निकलता है और मां के गर्भाशय से चिपक जाता है। इससे भी लगभग 20% सफलता बढ़ सकती है। एक और एडवांस टेक्निक है स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक। यह टेक्निक उन पुरुषों के लिए लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या नील हो लेकिन उनके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हों। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया जो पेशेंट होते हैं उनमें हम TISA यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या TSE यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, PSE परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एक्सट्रैक्शन के द्वारा उनको हम पिता बनने का सुख दे सकते हैं। नन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया पेशेंट में हम TSE और ओपन बायोप्सी के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं। अगला एडवांस ट्रीटमेंट है क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन के द्वारा हम अंडे, शुक्राणु, भ्रूण और जो अंडकोश और अंडाशय के टिश्यूज हैं उनको हम काफ़ी सालों तक -96 डिग्री टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम FET यानी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र करने से
जो सक्सेस रेट होती है वह फ्रोजन इम्ब्रियो ट्रांसफर के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। जिस साइकिल में औरत के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं हम उसी साइकिल में भ्रूण को प्रत्यारोपित नहीं करते हैं, उनको फ्रीज कर दिया जाता है और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि जिस साइकिल में औरत के अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं उस समय उनकी जो हार्मोन लेवल होती है वो जो भ्रूण के लिए फेवरेबल नहीं होती है। और एडवांस ट्रीटमेंट में हम एम्ब्रियोस्कोप कर सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल डिवाइडिंग जो भ्रूण है वो कैसे दिखते हैं, और वैसे नॉर्मली जो दिखने में जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एम्ब्रियोस्कोप के द्वारा हम नॉर्मली डिवाइडिंग जो भ्रूण होते हैं उन्हें देख सकते हैं और उनको प्रत्यारोपित करने से प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट बढ़ाई जा सकती है। हम एक और एडवांस टेक्निक कर सकते हैं एरा यानी इंडोमेट्रियम रिसेप्टिव एरे। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि भ्रूण डालने का सही समय क्या है। और एडवांस में बढ़ते हैं तो हम लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं जिससे हम उन महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्प दे सकते हैं जिनकी बार बार प्रेगनेंसी खराब हो रही हो या जिनकी पहले 3 महीने में बार बार गर्भपात हो रहा हो। और एडवांस ट्रीटमेंट में हम डोनेशन सर्विसेज दे सकते हैं, ओसाइट डोनेशन, एम्ब्रियो डोनेशन, स्पर्म डोनेशन। ओसाइट डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन उन महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होता है जिनकी असमय माहवारी बंद हो गई हो या जिसे हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर कह सकते हैं, या उम्रदराज महिला जिनकी माहवारी बंद हो गई हो और वो माँ बनना चाह रही हो, या कोई महिला जिसकी माहवारी तो चल रही हो लेकिन अंडाशय में अंडे नहीं हो, या जो महिला जिनकी कोई पहले सर्जरी के कारण अंडाशय निकाल दिए गए हों, उन महिलाओं के लिए हम ओसाइट डोनेशन और एम्ब्रियो डोनेशन से संतान सुख दे सकते हैं। स्पर्म डोनेशन उन पुरुषों के लिए लाभदायक होता है जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं हो और अंडकोश में भी शुक्राणु नहीं बनते हों, या कोई कपल्स जिनकी बार बार अपने अंडे और शुक्राणु से बनने वाले भ्रूण ट्रांसफ़र करने के बाद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं लग रही हो, उन्हें बार बार IVF फेल हो रहा हो, उन कपल्स के लिए भी हम डोनेशन सर्विसेज के द्वारा संतान सुख दे सकते हैं। अब अगला एडवांस ट्रीटमेंट है PGS एंड PGD। PGS एंड PGD क्या होता है इसके पहले मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मली जो ह्यूमंस बींग्स हैं उनके में 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं और एक नॉर्मल भ्रूण में भी 23 पेयर्स क्रोमोजोम्स होते हैं। अगर इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये एबनॉर्मल भ्रूण बनता है जिसे हम एनहेप्लॉयडी एम्ब्रियो भी कहते हैं। PGS यानी प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग उन कपल्स में की जाती है जिनमें पहले से कोई अनुवांशिक विकृति ना हो लेकिन उन्हें अनुवांशिक विकृत बच्चे पैदा होने की संभावना हो, जैसे कोई महिला जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, या प्री जेनेटिक डायग्नोसिस के द्वारा हम उन कपल्स में किया जाता है जिनकी पहले से कोई अनुवांशिक विकृति हो या उनके परिवार में किसी को अनुवांशिक विकृति हो या उनकी कोई पहली संतान हो जो मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर हो, उनमें हम प्री जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड प्री जेनेटिक डायग्नोसिस उन कपल्स में भी की जाती है जिनकी बार बार IVF फेल हो रही हो या पहले 3 महीने में बार बार गर्भाधारण करने के बाद भी गर्भपात हो रहा हो, उनमें हम PGS एंड PGD कर सकते हैं। PGS एंड PGD करने के लिए हम 5वें दिन के भ्रूण को लेते हैं और उसकी बाहरी परत से कुछ सेल्स लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि उसके अंदर के सेल्स को कोई दिक्कत ना हो। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.